हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग का 24 जुलाई से फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट है, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का यहाँ पे सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव यानी क्लास नाइन्थ का जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है इंग्लिश का, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देखना शुरू करें। तो पहला इसका क्वेश्चन है कि वाई वाज पद्मा अनहैप्पी। तो यहाँ पे आप लोग का ये आंसर हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। सारा का सारा क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है वो आप लोग के लिए 100% करेक्ट लाया गया है, ताकि आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। आप लोग सिंपली जा करके एग्जामिनेशन में इसको लिख करके चले आएँगे। सेकेंड नंबर है वाई वाज ययाति फेमस फॉर। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ययाति वाज एन एम्परर एंड वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवास। उसके बाद है आप लोग का ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ही बिकेम परमेचुअली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। ये हो गया आप लोग का। अगला है व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS। द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। ये आप लोग का हो गया तीसरा का। चौथा है आप लोग का है कि व्हाट इज द वर्ल्ड डार्क एंड वाइड टू द पोएट। डार्क एंड वाइड टू द पोएट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पोएट बिकेम टोटली ब्लाइंड देयर फॉर ही द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स ब्यूटीज एंड चार्म्स बिकम कम्प्लीटली डार्क टू हिम। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है व्हाट इज़ द वर्ल्ड डार्क टू वर्ल्ड, ये तो हो ही गया। उसके बाद पांचवा नंबर है सोना हाउ सोनल्स कार मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो इसका हो जाएगा ऑन द इवनिंग ऑफ August 24, 1974 लेंसर वाज ड्राइविंग ए कार इन विच सोनल मानसिंह वाज आल्सो ए पैसेंजर। सडनली लेंसर नोटिस्ड ए डियर स्टैंडिंग इन द रोड एंड द सोनल कार्स मीट विथ एन एक्सीडेंट। ये आप लोग लिख लीजिएगा। पांचवा नंबर है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है स्कूल पे, ये लिखा हुआ है, आप लोग भी इसी तरह से लिख लेंगे। स्कूल पर आप लोग का पूछने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर एन इंडिविजुअल टू लर्न। ए स्कूल टीचर द स्टूडेंट टू लर्न राइट एंड स्पीक करेक्टली। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको आराम से लिख लीजिए, उतार लीजिए, यहाँ तक हो गया। ये पूरा है आप लोग का, ये आप लोग का पाँचवा नंबर का, ये पूरा है, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जितना दूर में अटरा आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद है राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग ₹1000 टू परचेज द बुक। तो इसमें आप लोग को जो दिया गया है उसी तरह से सेम टू सेम आप लोग को उतार लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम लिख लेना है नीचे। अगला है सेवन नंबर हाउ टू राइट ए सिक हैव एप्लीकेशन फॉर स्कूल। तो इसके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस डेट वगैरह दे देना है। उसके बाद है यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद क्लास एंड सेक्शन और रोल नंबर, ये आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह से उतार देना है। अगला यहाँ पे इसी तरह से आप लोग का इतना ही क्वेश्चन रहेगा और सारा क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दे दिया। तो यही था आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।